आज 30 फरवरी 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 23 फरवरी 2024 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली, हम एक शब्द की गहराई में जाएंगे। पूरी मुरली में बाबा का एक फ्लो होता है, उस फ्लो को समझना है। आज की मुरली के कई शब्द कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। बाबा के बच्चे कई भोले होते हैं, शब्द को पकड़ कर चलते हैं, और हमने कई बार देखा है शब्द को पकड़ने के बजाय उसके पीछे का भाव समझना चाहिए। तो जब भाव को नहीं समझ पाते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलत अर्थ निकाला जा सकता है। इसलिए मुरली को बहुत अच्छी तरह समझना है। शास्त्रों में जो झगड़ा है या मतभेद है उसका कारण ही है इंटरप्रिटेशन। माना शब्द का अर्थ निकालने के बजाय अनर्थ निकालते हैं। हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकालता है। अभी मुरली में बाबा कितनी पॉजिटिव बातें बताते रहते हैं, लेकिन कई लोगों का डर बढ़ जाता है मुरली सुनने से। अभी ये वैसे ही है, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेवा दे रहा था, तो हमारे कंपनी में एक कुमार था। उसको यंग एज में डायबिटीज हुआ नहीं था, लेकिन उनके घर वालों को हुआ था। सबको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री थी। अभी इसको लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आत्मा अपना शुगर टेस्ट करने को तैयार ही नहीं। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं, मुझे पता है अगर मैं टेस्ट करूं तो मेरा शुगर निकलने वाला है, इसलिए मैं टेस्ट ही नहीं करने वाला है। मैंने कहा आपने टेस्ट नहीं किया और शुगर बढ़ गया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आपको। बोला नहीं, कुछ भी हो जाए मैं टेस्ट नहीं करूँगा। तो ज़्यादा आएगा इस डर से वो टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। बाबा के कुछ बच्चों को मैंने देखा, उन्होंने खुद बताया कि मुरली में बाबा कई सारी ऐसी बातें सुनाता है जिसके बाद हमारा डर बढ़ने लगता है। मैंने कहा कौन सी बातें से डर बढ़ता है? तो कहता है कि विनाश की बात, खाने को नहीं मिलेगा वगैरह बातों से डर लगता है, फिर धर्मराज सजा देगा, इन बातों से भी डर लगता है, इसलिए मुरली नहीं सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन आते नहीं है। क्योंकि बाबा कई बार मुरली में नियमों को डबल ट्रिपल अंडरलाइन कराता है। तो ये वैसे ही हो गया कि वो जो कबूतर होता है उसको खाने के लिए वो बिल्ला आता है, तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कोई बिल्ला नहीं है, लेकिन इससे कबूतर की जान तो नहीं बचेगी। बाबा की मुरली बहुत प्रेरणादायी है, मोटिवेशन है उसमें, और हमको मुरली के हर शब्द को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बाबा हमारे लिए परम धाम से इस धरती पर आया है, हमको सुधारने के लिए आया हुआ है।
अभी मोह की बात ले लो, बाबा ने ये सब विकारों के बारे में कहा है। मोह की बात ले लो, अभी कंफ्यूजन क्या होता है, बाबा कहता है कि मोह नहीं रखना चाहिए, और कई बाबा के बच्चे मोह को स्नेह के साथ जोड़ लेते हैं। तो मोह और स्नेह दोनों में फर्क है, मोह विकार है, स्नेह विकार नहीं है। कहते हैं स्नेह नहीं होगा तो कैसे चलेगा, हम मशीन थोड़ी है, हमको आपस में प्यार से चलना चाहिए। अभी बाबा ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि प्यार से नहीं चलना चाहिए, बाबा ने तो उल्टा इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है कि आत्मिक स्नेह की मूर्ति बनो। बाबा ने कहा स्नेह जरूर रखना चाहिए, लेकिन वो जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, रूहानी प्यार होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, रिगार्ड होना चाहिए। लेकिन होता है जिस्मानी प्यार, और कहते हैं हमारा रूहानी प्यार है, शब्दों का फेर है। तो ये समझना चाहिए बाबा के बातों को। कई माँ बाप समझते हैं हमारा बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए तो हम उनको मारते हैं, तो ये गलत है। प्यार में सामने वाले को समझना होता है, डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, उनको डेफिनेटली गाइड करना होता है, नो डाउट अबाउट इट। कर्तव्य जरूर निभाना है, कर्तव्य बाबा ने तो निभाने को कहा हुआ है, लेकिन कर्तव्य निभाते हुए अटैचमेंट में नहीं आना है, ये बहुत टफ होता है। इसलिए मोहजीत बनना मासी का घर नहीं है, ये सभी विकार सूक्ष्म रूप में पकड़ने की कोशिश करते हैं, और बाबा हमको इसी की क्लैरिटी देता है। अभी बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया है कई मुरलियों में, वो है लगाव। अभी लगाव ये सूक्ष्म माया है, लगाव माना कोई देहधारी अच्छा लगता है, उसके साथ बात करना अच्छा लगता है, वही चाहिए हर वक्त। तो बाबा ने कहा बाप किधर गया फिर, और लगाव की निशानी बाबा ने बताई, जहां लगाव होगा वहां झुकाव होगा। कहते हैं हम विशेषता की तरफ झुक रहे हैं, बाबा ने कहा ये माया है, देने वाले को मत भूलो। तो ऐसे हमको सूक्ष्मता में जाना चाहिए। आज की मुरली का एक शब्द मैं लेना चाहूंगा, वो शब्द जिसके ऊपर बाबा ने कई मुरलियां चलाई है, आध्यात्मिकता का भी उसे फाउंडेशन कह सकते हैं, योगियों के जीवन का फाउंडेशन है, चारों ही सब्जेक्ट में सबसे कठिन सब्जेक्ट सभी जो समझते हैं वो है योग का सब्जेक्ट, वैसे है नहीं लेकिन समझते हैं। लेकिन उसकी भी कमी का कारण क्या है, तो उसकी कमी का कारण ये एक ही कमी है, वो है बेहद का वैराग्य। जब तक बेहद का वैराग्य नहीं है, तब तक योग की स्टेज निखर नहीं सकती है। मैंने मधुबन में एक आत्मा से पूछा कि ये बेहद का वैराग्य कैसे है, उन्होंने कहा कि वैराग्य नहीं है तो हम होंगे ही नहीं बाबा के पास। अभी ये भी उनका दृष्टिकोण है, मैं पूछ कुछ रहा हूँ, सामने वाली आत्मा कह कुछ रही है, उनके हिसाब से हमने पुरानी दुनिया को छोड़ दिया, सफेद वस्त्र धारण किए, बैच लगाया, माना हमको बेहद का वैराग्य है। अभी ये बहुत सूक्ष्म बात है, बेहद का वैराग्य जब बाबा कह रहा है, तो आज के जैसे वरदान में बाबा ने कहा कोई भी पुरानी दुनिया की व्यक्ति और वस्तु मुझे खींचनी नहीं चाहिए, क्योंकि राग माना ही आकर्षण, संस्कृत का राग शब्द है, उसका मतलब है आकर्षण, पुराना कुछ तो खींच रहा है, व्यक्ति खींच रहा है या वस्तु खींच रहा है। अभी ये खींचना भी बहुत सूक्ष्म होता है, पता ही नहीं चलता है। अभी कोई आत्मा किसी सेंटर पर सहयोगी बनती है तो हर बार वही आत्मा चाहिए,
अगर वो आत्मा नहीं है तो सेवा नहीं हो सकती। अभी हम ये भूल जाते हैं कि करण करावनहार बाबा है नंबर वन। नंबर टू, वो देहधारी आत्मा हर वक्त रहने वाली नहीं है। है तो अच्छा है, और देने वाला बाबा है। किसी भी देहधारी की वजह से कोई सेवा रुकती नहीं है। मैंने ये बहुत टफ समझा है। मुझे ऐसे लगता था, मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ, कि मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं साक्षी अवस्था में गया, तो मैंने चेक किया कि मेरे नहीं होने से भी सेवा बहुत अच्छी हो रही है। तो ये मेरा अहंकार था कि मेरे वजह से सेवा हो रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत सारे बाबा के बच्चे दुनिया में भी कहते हैं कि ये व्यक्ति समझता था कि यही सब कुछ कर रहा है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसके जाने के बाद भी दुनिया बहुत अच्छी चल रही है। तो सेवा कराने वाला बाबा है, ना कि कोई देहधारी। ये हमको भूलना नहीं चाहिए, तो फलाना ही चाहिए, ये भी छोड़ देना चाहिए। और वो निमित्त आत्मा है, बाबा ने उस आत्मा को वहां पर सेवा के लिए भेजा है। मैं ये चमत्कार रोज देखता रहता हूँ, क्योंकि सेवा के क्षेत्र में रहते हैं। तो मैं देखता हूँ बाबा कब कहाँ किसको कैसे भेजेगा, हमको अंदाज भी नहीं आता है। तो ये एक एग्जाम्पल बताया कि खींचता कैसे है। ये देहधारी भी खींच सकते हैं। अभी किसी से सहयोग लेना और उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना, ये दोनों अलग चीजें हैं। सहयोग तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं, आपको मदद के लिए लोग चाहिए। तो डेफिनेटली सहयोग लेना है, लेकिन बुद्धि में बाबा को धन्यवाद देना है, क्योंकि बाबा ने उस आत्मा को वहां पे रखा हुआ है। पहले बाबा आना चाहिए। अभी वस्तुओं के बारे में देखो, वो भी बहुत बड़ा लिस्ट है। बाबा ने इसके ऊपर अटेंशन, आखिर में बाबा को खिंचवाना पड़ा। पहले यज्ञ में इतने साधन नहीं थे। जो पुराने बाबा के बच्चे वो जानते हैं, वो आज भी इसको याद करते हैं कि हमारे पास थोड़े ही साधन थे, गाड़ियाँ भी नहीं थी ज़्यादा, तो तपस्या बहुत ही अच्छी साधना करते थे। और फिर जैसे तपस्या बढ़ी, तो बाबा ने कहा कि साधना बढ़ी तो साधन अपने आप आने ही है, क्योंकि प्रकृति आपकी दासी बन जाती है। अभी साधन आ गए, तो साधनों को अगर हमने अवस्था के लिए सहारा बनाया तो फंस जाएंगे। ये जो विघ्न है योगी के जीवन में आते हैं, इसका वर्णन शास्त्रों में भी किया हुआ है। अभी जो अच्छे योगी होते हैं, उनकी साधना जैसे ही बढ़ती है तो उनको कई सारे पावर्स आने लगते हैं, जिसको सिद्धियां कही हुई है। अगर योगी अपने लक्ष्य से भटक जाता है तो वो इन सिद्धियों में फंस जाता है, जबकि ये सिद्धियाँ रास्ते के चट्टान हैं, ये मंजिल नहीं है। तो भक्ति मार्ग में, योग शास्त्र में भी इसका वर्णन है कि यहाँ फंसना नहीं है, ये रास्ते के साइड सीन है, आपको आगे चलना है मंजिल की ओर। लेकिन कई योगी ये पावर्स आते ही उसमें फंस जाते हैं। ऐसे ही ये नियम हमारे लिए भी लागू पड़ता है, कि थोड़े समय के बाद हमको लगने लगता है कि मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता है, मैं अच्छा सेवादारी हूँ, मैं नहीं होगा तो ये सेवा हो ही नहीं सकती है। अभी स्वमान में रहना अच्छी बात है, लेकिन मैं हूँ तो ही होगा, ये गड़बड़ है। और बाबा ने तो हमेशा कहा है कि आपको फॉलोअर्स नहीं बनाने हैं, लीडर्स क्रिएट करने हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने दादियों को तैयार किया, और दादियों ने बड़ी बहनों को तैयार किया, और ये सभी लीडर हैं अपने क्षेत्र में, है ना। ये हमको सीखना चाहिए कि हमको उधर ओनरशिप में नहीं जाना चाहिए कि मैंने किया। ये तो उस आत्मा का भाग्य होता है और उसका अपना पुरुषार्थ होता है कि मदद मिलते ही वो स्टेज पर आ जाती है।
आत्मा। तो हमको ये सब बातें गहराई से समझनी चाहिए कि कहीं मैं साधनों का सहारा तो नहीं ले रहा हूँ। बाबा ने कहा ये डनलप के तकिए बाबा ने इस्तेमाल किया, क्योंकि बच्चे आराम पसंद बन गए। अभी इसमें भी सूक्ष्म रॉयल माया कैसे आती है। बाबा का शब्द है कि कई बच्चे समझते हैं हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। अभी ये वाक्य जो है ये अलबेलापन का भी वाक्य है और कॉन्फिडेंस का भी वाक्य है। जिनको कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, उनको पक्का पता होता है हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। ये अलबेलापन का भी वाक्य हो सकता है, ये माया का वार भी हो सकता है। ये मैनेजमेंट की स्टोरी बताते हैं कि खरगोश और वो कछुआ, इनकी रेस लगी थी। ये वही बात है, खरगोश को लगा कछुआ इतना धीरे से चल रहा है, ये कहाँ जीतेगा। तो वो रिलैक्स हो गया, उसने सोचा मैं कभी भी इसको हरा सकता हूँ। लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ आखिर में रेस जीत गया, क्योंकि खरगोश उसके पास कैपेसिटी होते हुए भी अलबेला बनने के कारण वो हार गया। अभी आप सोचो ये कैसे हो सकता है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि गफलत किया खरगोश ने। तो भले हमारे अंदर विशेषता है, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहे कि हम ही जीतने वाले हैं। कबीर के बारे में कहते हैं, कबीर कह रहा था कि कभी कबीर तुम गाफिल नहीं रहो, अजहु नाव समुन्दर में ना जाने क्या हो। कब माया कहाँ से पकड़ लेगी नाक से कान से पता भी नहीं चलेगा। इसलिए योगियों को कहा गया है कि ऑलवेज अलर्ट अवॉइड्स एक्सीडेंट्स। ये बोर्ड रास्ते के ऊपर लिखा रहता है, 4 A है, ऑलवेज अलर्ट अवॉइड्स एक्सीडेंट्स। कब कहाँ से माया पकड़ लेगी पता नहीं चलेगा। क्योंकि बाबा मुरली में कहता है कि ऐसे बच्चे थे जिन्हें हम टॉप 10 में रखते थे। आप सोचो वो आज ज्ञान में है नहीं। हमारे आंखों के सामने भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, हम जिन्हें रोल मॉडल समझते थे माया उन्हें कच्चा चबा गई। मना ये क्यों हुआ, क्योंकि अंश की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये भी गलत फहमी होते, कई लोग कहते थोड़ा ही है, बाबा को भी समझाते बाबा थोड़ा सा ही है, मैं आगे चलकर कवर कर लूंगी, आगे कुछ नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, अंश से वंश बनने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए जो अच्छा योद्धा होता है वो भी गाफिल नहीं रहता है, अलर्ट रहता है, क्योंकि कब कौन सी दिशा से तीर आ जाएगा पता नहीं चलता है। तो ये सूक्ष्मता बतानी है कि बेहद का वैराग्य बहुत जरूरी है, और वैराग्य की स्टेज निरंतर चाहिए। ऐसे नहीं, हिंदी में कहते हैं शमशान ही वैराग्य। जब कोई मर जाता है तो शमशान में जाते हैं कई लोग, तो उस समय वैराग्य आता है, देखो ये क्या लेके गया, सब कुछ तो यहाँ छोड़ के गया, इतना लोगों के साथ झगड़ा किया, मेरा मेरा करता रहा, आखिर में क्या हुआ, चला गया। तो उधर लोगों को लगता है जब वो डेड बॉडी जल रही होती है तो देखते हैं कि हमको भी एक इस तरह से आना है यहाँ पे कभी ना कभी। तो उस समय वैराग्य आ जाता है, और दिल से कई लोग मुझे कहते हैं हमको लगता है सबसे माफी मांग ले, हाँ सबसे माफी मांग ले, सबके साथ रिश्ते अच्छे करें, और क्यों मेरा मेरा करते रहते जबकि कुछ लेके जाना नहीं है। उस समय वो फील होता है, लेकिन जैसे ही बाहर आ गए, बाहर आने के बाद वो सभी विचार कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, वंडर है। तो ये वैराग्य की स्टेज अल्पकाल की नहीं बहुत काल की होनी चाहिए। तो उसके बिगैर योग हो नहीं सकता है। इसलिए बाबा कह रहा है बच्चे चार्ट रखो, क्योंकि चार्ट रखते हैं अपनी चेकिंग करते हैं तो पता चलता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं या पीछे हट रहा हूं।
अभी भी अगर मेरे अंदर कुछ ऐसे संस्कार है जिसके वजह से दूसरे मेरे से नाराज है, दुखी है, तो मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। अभी जो रोज मुरली सुनता है, जिसका रोज चिंतन रहता है, उसको स्पष्ट पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी कमी कमजोरियां है। इवन दूसरों के अंदर भी कमी कमजोरियां पता चलेगी, लेकिन उसको खुद को देखने की आंख बहुत तेज होगी, उसका ध्यान पूरा खुद के ऊपर होगा। तो चेक करना चाहिए कि हम सदगति में जा रहे हैं या दुर्गति में जा रहे हैं। वैसे तो भक्ति मार्ग का शब्द है गति सदगति है, आज बाबा ने दुर्गति शब्द इस्तेमाल किया है कि दो मनुष्य जब आपस में मिलते हैं तो या तो दुर्गति की ओर लेके जाते हैं या सदगति की ओर। ये मैनेजमेंट का कोट है, वो कहते हैं अंग्रेजी में कि इफ यू हैव 1 रुपी एंड आई हैव 1 रुपी एंड वी एक्सचेंज, वी हैव ओनली 1 रुपी ईच, बट इफ यू हैव 1 आइडिया एंड आई हैव 1 आइडिया एंड इफ वी एक्सचेंज वी हैव 2 आइडियाज ईच। आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है, हम एक्सचेंज करते हैं, दोनों के पास 1 रुपया ही बचता है। लेकिन अगर मेरे पास 1 आइडिया है, आपके पास आइडिया है, हम एक्सचेंज करते हैं, तो हम दोनों के पास दो दो आइडिया हो जाती है। चेक करना चाहिए, जब हम किसी के संबंध संपर्क में आ रहे हैं तो हम एक दूसरे को उच्च चेतना की ओर लेके जा रहे हैं या नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। एक कुमार ने मुझे सुनाया, बहुत दिनों के बाद उसका दोस्त मिला तो बहुत खुशी हुई, स्कूल का फ्रेंड मिला, बातें हुई, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और उस दोस्त ने कहा, मैं अभी एक मूवी देख के आया, उस मूवी में ऐसा ऐसा बताया हुआ है, इतना अच्छा है, ये है, वो है। तो इस कुमार ने भी सुना है, मैंने भी ऐसी मूवी देखी थी, हालांकि बहुत पहले देखी थी, लेकिन उसमें ऐसा था। अभी थोड़ी देर बाद उस कुमार को रियलाइज हुआ कि वो पिछले आधे घंटे से पूरा चिंतन बॉलीवुड के ऊपर ही कर रहे हैं, हॉलीवुड के ऊपर, हीरो हीरोइंस के ऊपर, उनकी जीवन शैली के ऊपर। उसको तुरंत पता चला, ये बातें तो मैं भूल चुका था, तो बाहर कैसे आई, क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया और पुरानी फाइल पूरी तरह से खुल गई। इसलिए आध्यात्मिकता में हम कहते हैं संग बहुत अच्छा चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन आपके अंदर की पुरानी फाइल को खोल सकती है। मैं तो एडिक्शन में सेवा देता हूँ, तो मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। जिन्होंने नशा छोड़ा है, हम उनको कहते हैं केवल 1-2 महीना नहीं, कुछ साल तक आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ये महाराष्ट्र की केस मैं सुनाऊंगा, वीआईपी लड़का, अभी उसको ड्रग्स का नशा था, एडमिट किया, नशा छूट गया, फिर फॉलोअप के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आया, रोज मुरली सुन रहा है, सेंटर पर आ रहा है, सेवा भी करना चालू हो गया। अभी माँ बाप खुश, सभी खुश, टीचर भी खुश, बीके टीचर की, इतना परिवर्तन इस आत्मा में। अभी 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ, घर पे अकेला था, चाय बना रहा था, तो गैस के ऊपर लाइटर से गैस चालू नहीं हो रहा था, तो उसने क्या किया, केवल सबसे बड़ी गलती हुई, मैच बॉक्स लिया। अभी मैच बॉक्स में वो तीली होती है, उसको घर्षण करने से अग्नि प्रज्वलित होता है, वो उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने वो तीली रगड़ी वो मैच बॉक्स के ऊपर और उसकी पुरानी फाइल खुल गई। क्योंकि ड्रग लेने वाले, अगर आप पढ़े लिखे हैं या एडिक्शन में काम किया है, तो आपको पता होगा एक चेसिंग करके तरीका होता है। चेसिंग माना आपके हाथ में वो सिगरेट का फॉइल होता है, पेपर होता है, उसके ऊपर ड्रग रखा हुआ रहता है नशे की, और नीचे से उसको आग लगाते हैं, वो माचिस की तीली से आग लगाते हैं, और उसका धुआं जो निकलता है वो नाक से लेते हैं। बस इस आत्मा से केवल इतनी गलती हो गई, वो तीली को रगड़ लिया और इसके ब्रेन के अंदर वो जो मेमोरी थी वो एक्टिवेट हो गई। और वो मेमोरी इतनी पावरफुल होती है कि पुराने पूरे संस्कार जागृत हो गए, उसने जाके फिर से ड्रग्स लेना चालू किया। तो देखो, एक एक स्टिमुलस हम इसको कहते हैं अंग्रेजी में, एक स्टिमुलस से ऐसा हो सकता है। इसलिए बाबा कहता है शरीर को देखने की आदत आपके पुराने संस्कारों को जागृत कर सकती है।
फिल्म देखते हैं, वीडियो देखते हैं कई बार। अभी इसके लिए पूरा नो नो है। जो कमजोर लोग हैं उनके लिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए। मैं इसके डिटेल में नहीं जाता हूँ, मेरे पास ये सब केसेस है। हम कहते हैं जो शक्तिशाली है उनको फर्क नहीं पड़ता है, पर जो कमजोर है उनको इससे अपने आप को बचाना चाहिए। आज बाबा ने कहा सुख चाहिए या शांति चाहिए, इससे आप चेक कर सकते हैं पहले आने वाले हैं या बाद में आने वाले हैं। तो सतयुग के आदि में आने वाले सुख चाहेंगे और लास्ट में आने वाले उनको सुख नहीं चाहिए, वो शांति मांगेंगे। आज के मुरली में कन्फ्यूजन कौन सा हो सकता है कि मांगना, एक तरफ बाबा कहता है कि मांगने से मरना भला, और दूसरी तरफ बाबा कहता है कि सुख मांगना है भगवान से। तो मांगना क्यों है? मांगने का भाव समझना है, शब्द को नहीं पकड़ना है, उनको अंदर से आएगा कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मुझे सुख की फीलिंग में जाना है, परमात्मा से सुख खींचना है। या मांगना माना भीख मांगना नहीं है। तो ये मांगने शब्द को समझना है। फिर आज और एक शब्द आया कि मेहनत करना चाहिए, भक्ति में भी मेहनत करते हैं, राम 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 बोलते हैं, घंटों तक वो माला फेरते रहते हैं, गुरु की आज्ञा पर चलते हैं। तो बाबा ने कहा भक्ति में मेहनत है तो यहाँ पर भी मेहनत करनी पड़े, जबकि बाप मिला है। तो एक तरफ बाबा कहता है मोहब्बत में रहो और एक तरफ अभी कह रहा है मेहनत करो। तो इसको भी समझना है, मेहनत कब तक होती है? जब तक आप ऑटो पायलट मोड पर नहीं हो। ये अंग्रेजी का शब्द है, एरोप्लेन जब हवा में उड़ने लगता है तो शुरुआत में उसको धरती से आकाश में जाने के लिए मेहनत है, उसको वो एनर्जी लगानी पड़ती है कि धरती का गुरुत्वाकर्षण उससे वो रेजिस्टेंस या विरोध होता है उसको ओवरकम करके वो हवा में चले जाए। हवा में जाने के बाद एरोप्लेन एक ऐसी स्टेज में आता है, वो अपनी कक्षा में स्थित हो जाता है, उस वक्त फिर वो पायलट रिलैक्स हो जाता है, वो मैगजीन पढ़ रहा है, नाश्ता कर रहा है, प्लेन अपने आप चल रहा है। तो हम सबको भी मेहनत तब तक है जब तक हम ऑटो पायलट स्टेज पर नहीं आते, माना नेचुरली सोल कॉन्शियस स्टेज होनी चाहिए। इसमें भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, मेरी तो स्टेज बहुत अच्छी है, बिल्कुल नहीं। बाबा ने कहा लास्ट तक माया आते रहेगी, इसलिए गाफिल नहीं रहना है, चेक करना है मैं दुर्गति में जा रहा हूँ या सदगति में जा रहा हूँ। पेट केवल दो रोटी मांगता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई लोगों की बाबा ने जैसे कहा ना, ललचायमान होती है, खाने की चीजों में आसक्ति जाते हैं। अभी हम ये समझ सकते हैं अकेलापन आता है कि तो लोग खाने में खुशी ढूंढते हैं, और भारत में खाने की इतनी चीजें हैं कि आप बात मत पूछो। मैं बहुत सेंटर पर जाता हूँ तो बहनें विशेष भोजन बनाती है, कहते ये यहाँ की फेमस डिश है, आप इसे टेस्ट करो, इसे टेस्ट करो, इसे टेस्ट करो, कहते ये नमकीन है, ये तीखा है, ये मीठा है। अभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कैलोरी कितना जाएगा, हम थोड़ा अलग सोचते हैं डॉक्टर्स वाले। तो मैं सोचता हूँ एक गुलाब जामुन खाया तो कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन खाने वाले खाते रहते हैं, वो इसके बारे में सोचते नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। हम मीठा खाते हैं तो बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है, फिर वो बार बार ट्रिगर बनता रहता है। अभी अंदर हमारे ये चिंतन चलता है तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, पर कई लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो चेक करना चाहिए कि कहीं मैं खाने की चीजों में आसक्ति तो नहीं है मेरे। कई लोगों को इसमें आसक्ति होती है, बाबा ने तो अभी कहा चने चने की तरफ भी आसक्ति जाती है। तो ये सब बातें बाबा क्यों कह रहा है आज की पूरी मुरली में? बाबा का भाव ये है कि पुरानी दुनिया में कोई चीज आपको खींच तो नहीं रही है, क्योंकि अगर पुरानी दुनिया में कोई खींच रहा है, ये पुराना संस्कार, ये बहुत बड़ा विघ्न बन सकता है, और ये अंश से वंश का रूप लेता है। इसलिए नॉलेजफुल वेद की वैराग्य वृत्ति से ये सब संस्कार संबंध और पदार्थों के वार से मुक्त बनना है, तभी सेफ रहेंगे। डरना भी नहीं है, ऐसे नहीं माया बहुत शक्तिशाली है, नहीं, माया से निर्भय बनो लेकिन आपस में निर्माण बनो। तो आज के पूरे दिन भर में चेक करना चाहिए कि मैं टू मच झंझट में तो नहीं फंसा हूं,
धंधे में इतनी बुद्धि तो नहीं जा रही है कि बाबा की याद करने के लिए टाइम ही नहीं है। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज मुझे खींच तो नहीं रहे, इवन अपना शरीर, दूसरों का शरीर, चीजें, अगर वो नहीं है तो मैं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा हूँ? मैं अपना चार्ट देख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे डिटैच होने में कितना टाइम लगता है? जब कोई परिस्थिति आती है तो मैं हलचल में तो नहीं आता हूँ या निश्चिंत अवस्था है? ये सब चेकिंग करना, इससे पता चलेगा। जब हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं तो अवस्था कैसी रहती है? आत्मिक दृष्टि रहती है, सदा सुख और शांत स्वरूप की स्थिति रहती है। ये सब चेकिंग करेंगे तब पता चलेगा कि मुझे कौन सा पद मिलने वाला है। अच्छा, ओम शांति।